देर रात को जब एक आदमी रास्ते से चलते हुए गुजर रहा था, तब उसके साथ एक डरावनी चीज घटी। दरअसल इंटरनेट पे एक क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसे हाल ही में स्लैप टैम सबरेडिट पर भी शेयर किया गया था। क्लिप की कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, पर उसमें जो घटा है वो काफी ज्यादा डरावना है, तो एक बार आप ही देखिए। किसी को पता नहीं है कि वो महिला कौन थी और क्यों उस तरीके से वीडियो रिकॉर्डर को देख रही थी, पर वीडियो की जानकारी ना होने के बावजूद भी ये छोटी सी क्लिप हर किसी का ध्यान खींचने में कामयाब हो रही है। बाकी अगर आपने इस क्लिप को कहीं देखा हो तो बताना, और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हो वो भी कॉमेंट ज़रूर करना। एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल में रात को अकेला था, तब उसके साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला इंसिडेंट घटा। ब्रिगाडा मार्टी सिटी नाम के फेसबुक पेज ने दरअसल एक वीडियो शेयर किया है। ये एक रेडियो शो है जिनको उनके एक लिसनर ने उसके साथ घटा डरावना अनुभव बताया। एक बार जब वो एक हॉस्पिटल में एडमिट था, तब रात को अचानक हॉस्पिटल में उसे डरावनी आवाजें आने लगी, जिसके कारण उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तब आगे जो घटा वो आपको चौंका देगा, आप ही देखिए। बेड के नीचे जब वो फोन ले गए, तब हमें किसी के पैर वहां दिखे, पर जब वो फिर से ऊपर आए तो वहां कोई भी नहीं था। अब ये देख के कमेंट्स में कहा जाने लगा कि ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, उस रूम में शायद कोई स्पिरिट मौजूद थी जो खुद को उस तरह से मैनिफेस्ट कर रही थी। व्यूअर्स ने कहा कि हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, वहाँ डेथ्स भी होती है और काफ़ी ट्रेजिक एटमॉस्फेयर भी होता है, जिससे हॉस्पिटल्स में रात को ऐसी घटनाएं घटने की काफ़ी किस्से सुनने में आते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये घटना भी पैरानॉर्मल होगी या फिर नहीं? आपकी राय कमेंट करना। एक महिला जब नॉर्मली उनके सीसीटीवी की फुटेजेस चेक कर रही थी, तो उनमें से एक में उन्हें कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाला दिखा। दरअसल गैबेर फ्लाजम नाम के यूजर ने रेडिट के पॉपुलर घोस्ट सब रेडिट पे एक वीडियो शेयर की है, जिसने सब रेडिट पर काफी डिस्कशन स्टार्ट कर दिए। यूजर ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भेजी है, जिसमें कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे है। तो ऐसा क्या उन्होंने रिकॉर्ड किया, आप ही देखिए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो दिखेगा कि पीछे पेड़ों के बीच में धुंधली ह्यूमेनॉइड फिगर गुजरती हुई दिखती है, जो फिर थोड़ी देर में खुद से ही गायब हो गई। अजीब बात यह है कि यूजर ने कहा उसका भाई, जो तब कार के पास खड़ा था, उसका कहना था कि उसे वहां ना तो किसी के चलने की आवाज़ आई, ना ही वहां कोई दिखा। साथ ही उनके कोई पड़ोसी भी नहीं है जो वहां रहते हो, जो उनकी प्रॉपर्टी पर उस तरह से घूमे। तो आपको क्या लगता है, वो फिगर जो वहाँ मंडरा रही थी वो क्या होगी? क्या कैमरा ने सच में कुछ अजीब रिकॉर्ड किया है, या फिर इस पूरे इंसिडेंट को लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है? आपकी राय ज़रूर कमेंट करना। पिछले वीडियो में भी कुछ सब्सक्राइबर्स ने उनके साथ घटे डरावने किस्से शेयर किए थे। अजय इनवार नाम के यूज़र ने बताया कि जब वो 2010 या 11 में पोर्ट ब्लेयर में एक हॉस्टल में रहते थे, तब उनके साथ एक डरावना इंसिडेंट घटा था। दरअसल रात को उनकी नींद खुली थी और उन्हें टॉयलेट करने जाना था,
पर रात को हॉस्टल के सुनसान हॉलवे में अकेले गुजरने से वो डर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उनके रूममेट को उठाया और दोनों दरवाजे में जाके खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे के पहले रूम से बाहर जाने का वेट कर रहे थे ताकि वो उसके पीछे पीछे चल सके, पर उसी सब के बीच एक परछाई उनको उनकी तरफ बढ़ती दिखी। उन्हें लगा कि शायद कोई आ रहा है, तो वो वहाँ रुक कर देखने लगे, पर अजीब बात थी कि वहाँ परछाई तो थी पर कोई व्यक्ति नहीं था। जिसे देख के वो दोनों डर गए और जाके सो गए। अजय ने कहा कि इस घटना को होकर अब काफ़ी साल बीत गए हैं, पर अभी भी उन्हें समझ नहीं आया है कि आखिरकार उस रात क्या घटा था। राहुल कुमार ने कमेंट में लिखा कि वो एक गांव में रहते हैं जहां उनके गांव के पास एक बड़ा आम का पेड़ है। एक बार गर्मियों में जब वो वहां टहल रहे थे तब कुछ दूरी पर उन्हें वहां एक महिला बैठी दिखी। अजीब बात ये थी कि वो शादी के जोड़े में थी और सतसवर के पेड़ के नीचे बैठी थी, जिसे देख के जाहिर है ये थोड़े हैरान हुए। पर तभी अचानक पीछे से इन्हें आवाज़ सुनाई दी कि वहाँ मत खड़े रहो, जल्दी भागो। जब इन्होंने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था जो ये आवाज़ दे रहा हो। बाद में कुछ गांव वालों ने कहा कि उन्हें भी वहाँ से रात को रोने की आवाज़ें आई है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटी है तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उन्हें भी अगली वीडियो में ऐड करने की। मैटी मगारसी नाम के यूज़र ने टिकटॉक पे कुछ वीडियो शेयर किए हैं। दरअसल मैटी के घर में अचानक कुछ टाइम से रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया एक्टिविटीज़ घटने लगी है, जो अक्सर तब घटती है जब घर पे वो अकेले होते हैं। इसलिए जब उन्होंने बाकी घर वालों को इसके बारे में बताया तो किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। इसलिए एक दिन जब ऐसा फिर से घटने लगा तो उसने वो सब रिकॉर्ड करने का ठाना। तो एक रात जब मैट वीडियो गेम खेल रहा था तब उसके एक कान में किसी ने कुछ कहा, जिससे वो डरा और उसे नज़रअंदाज करके वो फिर से खेलने लगा। तब किसी ने उसका पैर पकड़ा, जिसके बाद डर के उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। तो वीडियो में क्या घटा आप ही देखिए। Bro, so I'm playing fucking COD. I got my headset on. I got one ear on, one ear off. And I hear somebody fucking whisper in my ear, bro. This shit is insane. So I go back to playing COD, and then somebody touches my foot, bro. So that's how I know. There's something in this fucking room. There's something in this fucking house. There's a fucking ghost, and I've been saying it for fucking years. And look at the fucking drawer. It's fucking open. इसके बाद फिर से एक रात जब मैट अकेले घर पे था, तब रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं घटने लगी। आप ही देखिए। You cannot make this shit up. Look at this, bro. Nobody is home. My fucking family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me, bro. What the fuck, Bentley? Bro, are you fucking kidding me right now? Are you fucking kidding me right now? What the fuck? Bro. Holy. Why is this door open? What the fuck is going on? एक रात फिर जब वो अकेले घर में थे तो अचानक उनका प्लेस्टेशन खुद से बंद हुआ। साथ ही घर में किसी के चलने और दरवाज़ा खटखटाने की भी आवाज़ें आने लगी, जिसके बाद मैट के साथ कुछ ऐसा घटा जिसने उन्हें उनका घर छोड़ के बाहर भागने के लिए मजबूर कर दिया। आप ही देखिए। Bro, I'm playing fucking COD. My whole PlayStation turns off. And this door opens up by itself. And it was closed because What the fuck was that? What the fuck? And the light's going again. And right there is the fucking light switches to that light. And guess what else I'm about to tell you? Nobody's fucking home. Oh my God.
What the fuck? And the dogs want no fucking part of it. And why is that door open? Bro? It's coming in threes. It's coming in threes. If you don't believe me, nobody's home. There is the fucking notes that my mom left me when they go on vacation. Honestly, I'm fucking scared as hell right now. Lucy is scared as fuck right now too, actually. Oh my god, bro. I really don't want to look behind this fucking door. Oh my god, bro. What the fuck? Bro? Bro. What the fuck is going on here, bro? I gotta get out of here, bro. I gotta get the dogs. I'm out of here. Let's go. Get up now. Get up, Petey. We're going. Bentley, come on. This way. Let's go. I'm done making this fucking video. I don't care about this shit anymore. I gotta get these dogs out of this fucking house. Get out. Bentley, come on. Bro, it's fucking Friday the 13th, too. I just realized I got all the dogs out here. And there's my... Oh my god. Did you guys just see that? Bro! Nah. This ain't a game anymore, bro. This shit is fucked up. I don't know what to do. I don't know what to do. Did you guys just see that fucking light going off in my house? इसके बाद मैट ने 2 महीनों तक कोई भी अपडेट उनके अकाउंट पर शेयर नहीं किया, पर फिर एक दिन उन्होंने वीडियो बनाकर व्यूवर्स को कहा कि उन्हें किसी ने कहा था कि उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फिल्म आने से वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए उसे उन्हें शूट नहीं करना चाहिए। साथ ही मैट कुछ टाइम तक घर से बाहर ही रहे थे, हालांकि वो एक्टिविटीज अब भी बंद नहीं हुई है, जिसके फ्रस्ट्रेशन में ही उन्होंने ये वीडियो बनाया है, आप ही देखिए। What's up, motherfuckers? It's been like what, 2 fucking months? And yeah, I was told by somebody who's like a professional to stop filming the shit that was going on in my house because it was making this, you know, negative entity or demon stronger. So I stopped filming. I actually left my house for a little bit. And I, you know, I've been staying at my girlfriend's house. And, you know, my sister Sam's been home a lot. And she's been telling me she's experiencing all the same shit I was. Everything. The fucking shit falling, fucking doors closing, shadows, the mimicking, everything you can think of, she was experiencing. अब उनकी बातों से तो साफ पता चलता है कि वो इन एक्टिविटीज के कारण काफी ज्यादा परेशान हैं। साथ ही अब हमें आगे भी उनकी तरफ से अपडेट्स मिलते रहेंगे। खैर, आपको क्या लगता है उनके घर में आखिर क्या घट रहा होगा? आपकी राय कमेंट करना। तो ये थे आज के कुछ डरावने वीडियोस। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।